एसटीएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। इसके साथ ही टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कुंडा पुलिस व एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और आरोपी गुच्छन और शाहिद उर्फ पप्पी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियारों की अवैध तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसका नाम शाहिद था, जिससे पूछताछ में इस फैक्ट्री के बारे में पता चला। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापे में ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस, मैगजीन, निर्मित व अर्ध निर्मित हथियार व हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। ये फैक्ट्री गुच्छन नामक व्यक्ति चलाता था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुच्छन पहले रामपुर में अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाता था। वहां से जब इसका धंधा बंद कर दिया गया तो ये बाजपुर आ गया और यहाँ पर शाहिद के साथ मिलकर हथियार बनाता था और उसे यूपी, हरियाणा, दिल्ली व उत्तराखंड के कई हिस्सों में सप्लाई करता था। अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहाँ पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाहों का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाहों का बड़ा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और कुल मिला के दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसटीएफ का एक इनपुट था जो परस्यू कर रहे थे, तो कारणवशात उसके बाद जो है एक आदमी को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने के लिए हमारा कुंडा पुलिस के पास आए। तो कुंडा पुलिस में जब ये इनपुट मिला तो हमारा कॉन्स्टेबल त्रिलोक सिंह है, तो कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को ये टास्क सौंपा गया कि एक व्यक्ति को ट्रेस करना है, संदिग्ध है और इसके पास बहुत असलहे मिलेंगे करके और लगातार अवैध असलहे लेके घूमता है। तो वो आदमी जैसे ही ट्रेस आउट हो गया कल देर शाम को, तो त्रिलोक सिंह ने अपने जान की परवाह ना करते हुए तमंचा दिखाते हुए भी, तमंचा था उसके पास, उसके बावजूद भी जान पर खेलते हुए उसके जाकर टैकल करके उसको तत्काल जो है घेर घोट के पकड़ लिया और उसके तुरंत उसके बॉडी पे ही उस पर तमंचा दो थे। तो उसको ला के पूछताछ कर लिया गया, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो करके उसने सारा चीज़ें पूछताछ में बता दिया कि एक अवैध असला बनाने का फैक्ट्री है जिसमें गुच्छन पुत्र शब्बीर है, बेसिकली रामपुर का रहने वाला है करके। तो हमारे कंबाइंड टीम द्वारा त्वरित रूप से एक्टिवेट हो गया, एसटीएफ और कुंडा पुलिस की कंबाइंड टीमें बनी, तत्काल विद इन 1 to 2 आवर्स टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया, जिसमें हमारा दिनेश फर्त्याल, आपका होशियार और आपका त्रिलोक सिंह, और एसटीएफ की तरफ से हमारा एमपी सिंह मटपाल और क्या बोलते हैं ब्रिजभूषण गुर्रानी और विभिन्न टीमें, संपूर्ण एसटीएफ टीमें जो है तुरंत जाकर संयुक्त रूप से उसकी निशानदेही पे वहाँ पर रेड मारी। तो बाजपुर में पांडे हॉस्पिटल के पीछे 600 स्क्वायर फीट का एक मकान था जिसमें ये गुच्छन जो है ये बहुत बड़ा असला बनाने का एक अवैध तरीके से पूरा सेटअप बना के रखा था। आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार के भारी असला बरामद हुई है। आज तक का उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा अवैध असलाओं की जखीरा और अवैध असलाओं की फैक्ट्री का बरामद हुआ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।